भोपाल की, जहां नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है। 27 सितंबर को 46 नगरीय निकाय में चुनाव होंगे, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है। 27 को वोटिंग और 30 सितंबर को मतगणना। ईवीएम से होगी सभी जगह वोटिंग। 5 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 12 सितंबर को नामांकन का आखिरी दिन है। 15 सितंबर को नाम वापसी का आखिरी दिन और 15 सितंबर को ही चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। 27 सितंबर को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। मतगणना 30 सितंबर को सुबह 9 बजे से शुरू होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकर्ष, ये 46 जगह जहां पहले चुनाव नहीं हुए थे क्योंकि कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया था, अब ऐसे में फिर से चुनाव की सुगबुगाहट है और दोनों ही पार्टियां जरूर जोर लगाएंगी। विजय जी, आपने सही कहा कि दोनों पार्टियां और अन्य दल जितने भी हैं वो पूरी ताकत से फिर से नगरीय निकाय चुनाव में जुटेंगी। 46 वो नगरीय निकाय हैं जहां पर कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था या कोर्ट में किसी कारण से ये चुनाव पेंडिंग पड़े हुए थे। आखिरकार स्पष्ट हो चुका है कि ये जो चुनाव है वो उनका 27 सितंबर को ये चुनाव होंगे और इसका पूरा कार्यकाल जिस तरीके से आपने बताया उसके अकॉर्डिंग कार्यकाल होगा। ईवीएम से तमाम जगहों पर वोटिंग होगी और मतगणना जो है 30 सितंबर को 9 बजे से शुरू होगी। और यदि मैं कुछ जगहों की बात करूं तो सागर की नगर परिषद करारपुरा है, नगर पालिका परिषद खुरई है, गढ़ा कोटा है, सिंगरौली की नगर परिषद सरई है। इस तरीके से जो 46 नगरीय निकाय हैं उनमें चुनाव होगा और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से नगरीय राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरा कार्यक्रम जारी किया है, अब दोनों ही पार्टियां एक बार फिर अपनी 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 ताकत झोंकने में जुटेंगी। जी शुक्रिया आकर्ष तमाम बातचीत के लिए। तो 46 जगह ये चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव है। 15 सितंबर को यहाँ चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। 27 सितंबर को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी।